Hello everyone, I am Priyanka and welcome back to the channel Pretty Planet. आज का टॉपिक है DIY विंटर फेशियल। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, विंटर के वजह से मेरा फेस का जो रंगक है वो उड़ गया है, बिल्कुल डॉल दिख रहा है और रूखा सूखा हो गया है। विंटर में सबका हाल ऐसे ही होता है, मैक्सिमम लोगों का हाल ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं आपके लिए आज एक लेके आई हूँ विंटर फेशियल, जो कि DIY है। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। घर पे जो भी हमारा किचन में जो कुछ भी चीज़ अवेलेबल होता है, किचन की चीज़ों से ही हम ये फेशियल करेंगे। ये 3 स्टेप ही है और बहुत ही आसान है, और इसको करने से आपका जो फेस का जो उड़ गया है रौनक वो लौट आएगा। तो फिर देर ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेशियल के नंबर 1 स्टेप में हम बनाएंगे क्लींजर, और क्लींजर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ बेसन, और उसमें हम मिलाएंगे ये रॉ मिल्क। बेसन एंड रॉ मिल्क को मिला करके एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसको कि हम अभी यूज़ करेंगे एज ए क्लींजर। इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपनी फेस को पहले थोड़ा सा गीला कर चुकी हूँ, और इसको हम ऐसे ही फेस वॉश की तरह फेस पे इसका थोड़ा मसाज करेंगे, और उसके बाद फेस को पानी से धो लेंगे। और इसी तरीके से हमारा पहला स्टेप जो फेशियल का है, क्लींजिंग, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको फेस पर लगा के 30-60 सेकंड तक मसाज करने के बाद इसको हम क्लीन कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में आता है हमारा DIY स्क्रब। उसके लिए मैं यहाँ पे चीनी ली हूँ, और उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका जो मोटा मोटा दाना था उसको थोड़ा छोटा कर ली हूँ। और अब ये हमारा स्क्रब बनाने के लिए रेडी हो गया। उसमें हम मिलाएंगे 1 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, और उसमें हम मिलाएंगे हनी, और उसको मिला के हम एक पेस्ट बनाएंगे, और जो हमारे जिसको हम यूज़ करेंगे एज ए स्क्रब। ये देखिए हमारा स्क्रब बनके अब रेडी हो गया है, अब हम इसको यूज़ करेंगे। क्लींजिंग के बाद मैं अभी अपना फेस धो चुकी हूँ, अभी हम इस स्क्रब को यूज़ करेंगे। जैसे जनरली हम नॉर्मल मार्केट में जो अवेलेबल होता है स्क्रब को यूज़ करते हैं, इसको भी वैसे ही यूज़ करेंगे। इसको फेस पे लगा के 2-3 मिनट तक एक अच्छा से मसाज देंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मसाज करेंगे, और उसके बाद इसको भी हम ऐसे ही क्लीन कर लेंगे। अभी ये हमारा 2-3 मिनट के लिए मसाज हो चुका है, अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। और अब हम 3rd स्टेप में बनाएंगे फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे पहले ली हूँ व्हीट फ्लोर, मतलब आटा। उसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ा सा हल्दी हम उस आटे में ऐड करेंगे, और उसमें हम ऐड करेंगे दही, मतलब कर्ड। ये 3 इंग्रेडिएंट को हम मिला करके एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे,
जिसको हम यूज करेंगे एज ए फेस पैक। ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया। अब इसको भी हम वही वेट फेस पे अप्लाई करेंगे। स्क्रब को मैं क्लीन कर चुकी हूँ, अभी ये फेस पैक को हम अप्लाई करेंगे। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद पानी से फेस को क्लीन कर लेंगे। अब मैं फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। अब पहली ही बार में आप फेस का ग्लो आपके सामने ही है, आप देख सकते हो। ये विंटर स्पेशल DIY फेशियल है। इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ की हूँ आपको आसानी से मिल भी जाएगा किचन से। और हमेशा फेशियल के बाद आप जो भी फेशियल करो मॉइस्चराइजर लगना कभी मत भूलना। आप फेशियल करो या फिर स्किन केयर करो, उसके बाद आप मस्ट मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना स्किन पे, जो कि अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इसी के साथ ये हमारा DIY विंटर फेशियल कंप्लीट होता है। है ना कितना आसान फेशियल। हमें पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ रहा है, पार्लर भी जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे बैठे कुछ खरीदना भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ की हूँ सब कुछ किचन में ही हमें मिल रहा है और रिजल्ट तो आपके सामने ही है। फिर कैसा लगा आपको ये DIY विंटर फेशियल? अगर अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।